वीडियो में स्वागत है आपका। तो अभी मैं जा रहा हूँ सेक्टर 4, प्लांट वाला रोड है, मेन जो प्लांट आता है ना उसका रोड है। हर आदमी का एक अपना ड्रीम होता है, और एक किसी का फोन लेना होता है, किसी को बाइक लेना होता है, मतलब कोई कुछ ना कुछ चाहता ही है, मतलब उसका सपना रहता है कि मुझे ये चीज लेना ही है। तो आज मेरा ड्रीम सच होने वाला है, बहुत दिन और बहुत कोशिश करने के बाद। इधर दिल पर पत्थर रख के बहुत पैसा लगा है, और मैं अपना एक लैपटॉप लेने जा रहा हूँ। लैपटॉप तो पहले भी लिया था, लेकिन ये जो लैपटॉप ले रहा हूँ बिल्कुल मेरा ड्रीम है, आसूस का टफ गेमिंग 15 है, जो आपको दुकान में दिखाऊंगा। तो चलिए दिखाते हैं दुकान में कैसा है मेरा लैपटॉप, और कितना दाम है, और क्या क्या उसमें खासियत है, सब दिखाता हूँ मैं। जैसे धर्मेंद्र का ड्रीम है, देखिए इसको, देखिए इसका ड्रीम था अपना वाइफ के लिए एक स्कूटी लेना, कल ही लिए हम लोग। एक टीवा का 5G है, 5G कौन लिया, 7G, एक टीवा का 7G अपना वाइफ के लिए लिया है। तो आज हम लोग उसी स्कूटी पे जा रहे हैं। तो इसका तो ड्रीम हो गया, इसका ड्रीम बहुत है भाई, इसके पास पैसा भी बहुत है, और हम लोग का छोटा आदमी है, छोटा छोटा ड्रीम है हम लोग का। चलिए कैमरा बैक कर लेता हूँ, सेक्टर 4 आने वाला है। ये आ गया सिमंडी से जो मेन रोड आता है, हम लोग शॉर्टकट आते हैं हमेशा। बोकारो भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, हमको बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, साफ सफाई में एक नंबर, और उसके बाद से जनसंख्या भी कम है। और देखिए गांधी जी का प्रतिमा आ गया यहाँ पे, सामने रिलायंस होटल है, सीधा रोड चला जाएगा मॉल में। तो कुल मिलाकर के अच्छा लगता है, क्योंकि ज्यादा क्राउडेड एरिया नहीं है, क्राउड वाला, इसीलिए मुझे बोकारो बहुत अच्छा लगता है। देखिए पूरा ही डिस्प्ले लगा है, इस पर टेम्परेचर, बारिश होगा कि नहीं होगा, हवा कितना पोल्यूशन है, सब दिखाते रहता है। फोर को पीछे छोड़ रहे हैं। हमारा शहर में लुलु मॉल तो नहीं है बड़ा वाला, बट बोकारो मॉल है, इसी से हम लोग काम चला लेते हैं। ग्रामीण फूड पूरा बोकारो में है, हमको लगता है कि राशन पानी का हिसाब किताब इसका सही है, बाजार से कम में देता है, बढ़िया क्वालिटी रहता है। पढ़ाई का हब है बोकारो, अगर भाई आपके पास बच्चे हैं और आसपास में है, बोकारो में रहने वाले हैं ना, हब है, हब, इतना अच्छा अच्छा स्कूल है यहाँ पे बोकारो में, बता नहीं सकते। 12th के बाद का पता नहीं है, बट 12th तक बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल है। आगे से चले नहीं, चल देखिए पूरा कंप्यूटर का हब है ये वाला, मतलब बोकारो में है आपको कंप्यूटर का सारा काम। इधर देखिए थोड़ा सा रोड खराब है, शहर में है ना, लेकिन सोसाइटी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ये देखिए भाई आ गया हम आसूस का डीलरशिप, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। चलिए भाई आ गए हम, बहुत बढ़िया बढ़िया लैपटॉप है आसूस का, पुश करते हैं इसको, देखिए। लेकिन इसमें से हमको कोई नहीं चाहिए, ऑर्डर पे मंगाए थे हम, आ गया ना भैया, देखिए आसूस का लैपटॉप लेना है बोकारो में। वैसे तो बहुत लोग बेचता है, लेकिन सब मिला जुला सरकार है, तो सब कोई आसूस बेचता है, तो सबका मिला जुला सरकार है, कोई मतलब सब ब्रांड रखते हैं। और यहाँ पर आइएगा ना तो केवल आपको आसूस ही आसूस मिलेगा, और कुछ नहीं। ये डीलर है कि भैया डिस्ट्रीब्यूटर है आप? शोरूम है। अच्छा तो खोलने से पहले आपको दिखाते हैं, देखिए इसके साथ एक बैग भी है, और क्या क्या लिखा हुआ है हमको तो पढ़ने नहीं आता है। और एक बार थोड़ा सा, हाँ ये देखिए टफ गेमिंग F15 लैपटॉप। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले ना, इसको जो मेरा भाई है और बमता दोस्ती है,
अशोक उससे कंफर्म करूंगा। ये खुला हुआ है क्या? ना। सील कटा हुआ रहता है, सील कटा हुआ रहेगा अगर खुला हुआ रहेगा तो ठीक। बता रहे थे ना आपको कि सबका सपना अपना अपना होता है, तो मेरा सपना यही है टफ गेमिंग। और जब इसका बिल बनेगा ना तो आपको बिल दिखाएंगे। वैसे बता देते हैं 76,000 का है, 76,000। और क्या क्या खासियत है भैया ही बताएंगे खोल के इसको। देखिए भाई ओपनिंग हो रहा है, ये लगा कट। भैया बोले कि वीडियो में नहीं आना है तो इनका बिल्कुल नहीं आने देंगे हम। ये रहा लैपटॉप और ये केबल है ना, चार्जिंग केबल। बहुत छोटा है। अच्छा एक और आएगा, पावर बैंक है क्या ये? एडेप्टर है ये, देखिए इसको। अच्छा अब कुछ नहीं है डब्बा में, बाकी मैनुअल सर। अच्छा इसका लुक देखते हैं। अरे भाई भाई साहब लुक तो बहुत जबरदस्त लग रहा है इसका। बैटरी वोटरी सब ओरिजिनल है ना सारा? आप बोले थे कि कोई गारंटी है? कोई चीज का रिस्क नहीं है सारा, इसीलिए आपके बोलने से ना हम बिना सील खोले हुए यहाँ पे आता है। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टाइम सील खुलता है तो उसका कंपनी में नहीं खुलता है? कंपनी में भी नहीं, वन टाइम जब पैकिंग होता है उसे जब चेकिंग के लिए खाली एक बार होता है, उसके बाद नहीं होता। तो ये कीपैड देख रहे हैं, चार गो अलग से दिया है, तो स्पेशली जो गेम खेलता है ना उसको पता होगा इसका यूज। हम लोग राइट आगे पीछे। अच्छा ये वाला ओके, देख बस चालू होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसा इसका लुक है। लुक से क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है लैपटॉप का खास, बाकी यहाँ पे देखिएगा तो सब लैपटॉप तो वैसे ही है, देखने में सब अच्छा लगता है, लेकिन इसका कुछ चाहिए क्या, कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए वो ज़रूरी है। तो हमको जो चाहिए था वो लिए हैं। अच्छा भैया अगर कोई ऑनलाइन मंगाता है वो कैसे अपने आप सेटअप करता है वो? हाँ अपने करना पड़ता है। अच्छा ये बहुत टेंशन होता है। अच्छा फिर माइक्रोसॉफ्ट जो 7,000 का है हाँ वो हट जाता है, फिर आपको पायरेटेड चलाना पड़ता है। हाँ तो उसका टूल्स डिलीट हो गया होगा, उसका टूल्स डाउनलोड कर लीजिए उसका। देखिए इसमें हम बताने तो भाई ऑफलाइन लेने का फायदा ये हुआ कि बहुत सारा सेटअप था, इन्होंने बहुत सेटअप किया, काफी देर से किया इन्होंने और अभी भी कर ही रहे हैं। ऑनलाइन आता तो शायद मैं इतना नहीं कर पाता और मुझे पता भी नहीं चलता। और ये इसका देखिए प्राइस दिखाता हूँ केवल, टोटल 76,000 और ये मॉडल नंबर है। इसके साथ एक बैग भी फ्री मिला है, तो बैग भी देखता हूँ बैग का क्वालिटी कैसा है। तो बैग पे भी भाई टफ गेमिंग और बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा लग रहा है हमको, थोड़ा मोड़ा मतलब है हार्ड है। बस इसमें केवल लैपटॉप आएगा ना भाई? पूरा सेटअप हो गया, बोले दबा के चलाइए 5-6 दिन, अब प्रॉब्लम होगा तो बताइए। i7 के बाद अभी और भी कोई आया है क्या लेटेस्ट? i9 आ गया है, हम लोग i3 में जी रहे थे पता है। 7 दिन तक कपड़ा सब संभाल के रखे है ना, ये कपड़ा अंदर का कपड़ा ठीक दोनों ठीक, 7 दिन तक संभाल के रखना है, उसके बाद फिर फेंक दीजिएगा चलेगा। फिजिकल डैमेज होगा वारंटी नहीं है, इंटरनल कुछ भी खराब होता है अपने से आपको कंपनी बना के देगा ठीक, तो फिजिकल डैमेज से बचाएगा थोड़ा सा। फिजिकल डैमेज में वाटर का हो गया, पानी गिरने का हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर गिर के टूट गया। अच्छा ये सब में नहीं देगा कंपनी, पानी का और शॉर्ट सर्किट का भी नहीं देगा? नहीं शॉर्ट सर्किट हो गया फिजिकल, जैसे आपका प्रॉब्लम था कि घर में ओवर हीटिंग ओवर वोल्टेज होते हैं वो आपका प्रॉब्लम है ना, कंपनी में नहीं देगा। डिब्बे में डाल दीजिए ना, डिब्बे में ले जाएंगे। डिब्बा में फिर बाइक में गिरने का डर नहीं? नहीं ले ले ले, दो आदमी है ना चल जाएगा। हाँ हाँ चला लेंगे हम, जैसे था उसी कर दीजिए। ये तो बीवी बोलेगी पुराना वाला लेके आए क्या जी। तो चलिए आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भाई आसूस का लैपटॉप लेना है तो आइए बिल्कुल शोरूम में, इधर उधर से मत जाइए। अगर आप बोकारो के रहने वाले हैं तो इसका फायदा बहुत है,
फायदा ये है कि पूरा वारंटी और पूरा सेटअप करके देते हैं ये लोग, तो अच्छा चीज़ है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।